हैप्पी संक्रांति एवरीवन। सो गाइस, यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो गया है। मैंने सुबह उठ के सारे काम करने के बाद मैं नहा चुकी थी और उसके बाद सूर्य देवता निकले नहीं थे तो मैं झांक झांक के देख रही थी। थोड़ा सा बस जस्ट उजाला ही हुआ था। मैं यहाँ पर जल चढ़ा रही थी भगवान को। जल देने के बाद मैं अंदर आई कमरे में और उसके बाद मैंने प्रोफेसर को जगाया और उनको जगा कर भेजा नहाने के लिए। और उन्होंने मैंने बोला कि आस्विका को भी फ्रेश कर दो, तो आस्विका उठकर मेरे पास ही खड़ी थी। फिर मैंने मंदिर में दीप लाई, पूजा की, आराधना की। हमारे यहाँ सुबह इसी तरीके से होता है, पर घर पे होते तो संक्रांति की एक अलग ही रौनक होती। पतंगबाजी भी करते हम लोग, घर में ढेर सारे खाने बनते, मिठाइयाँ बनती और ये तिलकुट वगैरह बनता। यहाँ तो बड़ी मुश्किल से हमें ये तिल वाले लड्डू मिले और बहुत ढूंढने के बाद वो भी अच्छे नहीं थे। खाने पे वो स्वाद नहीं था जो अपने यहाँ के गुड़ का होता है। और साथ ही उसके बाद ज़्यादा कुछ मिला नहीं था मुझे, और मैंने बस एक चिक्की लाई थी, चिक्की, और उसके बाद ये तिलकुट। तिलकुट हमारे यहाँ सुबह सुबह मुँह तिलकुट से ही जूठा करते हैं वो गुड़ वाला तिल वाला खाकर, तो मैंने वही किया। और उसके बाद मैंने घर की पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने खिचड़ी छू ली थी। उसके बाद मैंने प्रोफेसर को बोला था कि आप और आसिका नहा लो। मैंने उन लोगों के लिए पानी भी गर्म कर रखा था बाथरूम में, तो वो नहाने गए थे और उसको भी ब्रश वगैरह कराना था। वो क्या होता है ना, सुबह सुबह उसको उठा देना बहुत ज़्यादा मुश्किल था उसके लिए, जस्ट बिकॉज कि बच्चे होते हैं ना, उठते हैं तो उनको थोड़ा सा पैम्पर होने का वो चाहिए होता है कि कोई उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करे। तो मैं पूजा कर रही थी, वो बार बार आती थी मेरे पास, खड़ी होती थी और फिर चली जाती थी। पर कोई नहीं, प्रोफेसर ने उसको गोद में लेके ब्रश वगैरह कराया और उसको भी नहलाया। फिर मैंने यहाँ पर खिचड़ी छू लिया, वो लोग नहा के आएंगे तो फिर वो लोग खिचड़ी छुएंगे। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एकता। सो गाइस, हैप्पी संक्रांति टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली अगेन। और मैं आपको बता दूँ कि आज संक्रांति है और आज जो सुबह था, मैं सुबह उठी नहाई और आज पता है मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बिना फैमिली के कोई भी फेस्टिवल पूरा नहीं होता है और आज मैं बहुत ज़्यादा घर को मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। स्पेशली मम्मी की डांट, अरे सुबह उठो, क्या है तुम लोगों का, आज के दिन भी 10 बजे तक सोना है। मम्मी हमेशा चिल्ला के ही जगाती थी हमें। तो ये ऐसा नहीं है ससुराल में, नहीं मतलब मायके में भी ऐसे ही होता था। सुबह सिर्फ मम्मी लोगों की डांट सुननी पड़ती थी, उठो जल्दी, उठो जल्दी, उठो जल्दी, नहाना है, पानी गर्म है। और फिर आने के बाद भी मतलब मेरी मदर इन लॉ, सासू माँ भी ऐसे ही जगाती थी, चिल्लाती थी। और उसके बाद हम लोग सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करते थे, खिचड़ी बनती थी, खाते थे, कितना एंजॉय करते थे। बट इस बार ना, मम्मी पापा वहाँ, भैया वहाँ, मैं और ये प्रोफेसर आश्विका यहाँ, पर कोई नहीं, और सेलिब्रेट करेंगे। मैंने नहा वहा लिया, पूजा वगैरह कर लिया जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने खिचड़ी भी छू ली। अब प्रोफेसर और आश्विका गए हैं नहाने, वो लोग नहा के आएंगे, फिर उनको खिचड़ी खिलाएंगे। देन उसके बाद हम सोच रहे हैं किसी टेंपल में विजिट करें, क्योंकि सुबह सुबह आज भगवान का दर्शन करना, दान पुण्य करना बहुत अच्छा होता है। तो हम जाएंगे, क्योंकि प्रोफेसर के कॉलेज में आज छुट्टी नहीं है, संक्रांति की यहाँ छुट्टी नहीं होती है, तो उनको कॉलेज भी जाना है। देखते हैं कि क्या करते हैं, हम कैंपस के टेंपल में जाते हैं या फिर टाइम मिलता है तो बाहर भी जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आस्विका, हाँ हाँ, आस्विका में डाल दो। अरे पापा ला रहे, इधर आओ। अरे तो गॉगल्स क्यों लगाई हो घर में? कितनी, 5 बार ना? हाँ चलो, ऐसे 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 5 बार। देखो देखो, जैसे मैं छू रहा हूँ, देखो देखो, ऐसे 2 times 3 times 4 5 4, एक बार और कर लो, इधर कर लो, बस 5 हो गया। ये पैर छू लो, ऐसे कर लो, ऐसे पैर छू। और भी आजी मेरा बच्चा, हैप्पी खिचड़ी आस्विका। मकर संक्रांति बोल ये तो बाहर वाले मंदिर पे दे सकते हैं। हाँ, ये बाहर वाले मंदिर पे कोई होता नहीं है ना, वहाँ वहाँ दे सकते हैं। अब रख दूंगी, वहीं पे ले चलेंगे कभी दर्शन करने।
पैसे रहने दे, पैसे दान दिए जाते बेबी, पैसे दे देंगे, दे दे। वो भी उसमें रखे जाते, उसमें प्लास्टिक में डाल, वेरी गुड, ये हैप्पी मकर संक्रांति प्रोफेसर, हैप्पी मकर संक्रांति। मेरे ऑडियंस को क्या बोलेंगे? सबको हैप्पी मकर संक्रांति। नहीं, इस नए साल पे कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आज दिन होता है, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से होता है उसमें नवरात्र में। नहीं, वो तो मास का ना महीना स्टार्ट होता है नवरात्र में, बट हमारे उसके तिथियों के हिसाब से कहा जाता है कि नया सत्र आज से स्टार्ट हुआ है। तो सबको भी हिंदी के हिसाब से नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो चलो, आइए, मैंने आपके लिए बनाया है सुबह सुबह संक्रांति पे बीटरूट का जूस, बीटरूट सारे ग्रीन वेजेस, तो ये मैं दूंगी उनको पीने के लिए। बोलो हैप्पी, बोलो हैप्पी, बोलो आसु हैप्पी मकर संक्रांति। अच्छा हैप्पी मकर, वो तो नाम ले लेती हूँ दब्बन शिखर। हाँ, जो कोई नहीं ले पाए हो। बोलो फिर से। अच्छा बोलो तो फ्रेंड का नाम। अब उसका नाम है दब्बन शिखर, उसका नाम है पांडा। उसका पांडा वो है नहीं, पांडा उनका सरनेम है अभिलिप्सा का। अच्छा, अभिलिप्सा पांडा। और ये दोनों छोटे छोटे जो बच्चे, उनका क्या नाम है? अदरुत आश्रित। अदरुत आश्रित। तो बोलो मकर संक्रांति। मकर संक्रांति गड़बड़ा जा रहा है। मकर नहीं। बोलो मकर, बोलो। हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, मैं, आश्विका और रंजना और अंकिता भाभी। सो रंजना आ रही है। रंजना, तुम्हें पता है मेरे ब्लॉग चैनल में तुम आने वाली हो। रंजना से कह रहे, रंजना तुम्हें पता है आज तुम मेरे ब्लॉग चैनल में आने वाली हो। चैनल बना के हम मेरे देवर को भेज दीजिएगा। हाँ, तब देखिए कितना हंगामा होगा। YouTube पर वीडियो बना रही है। तो कहते बना कोई और रहा है, हम तो उसमें बस आ रहे हैं, है ना। हम बस उसमें। हेलो बोलो, हेलो रंजना, हाय। सो हम लोग चलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे, और ये जो मंदिर है ये आईआईटी के अंदर ही है, और क्या कहते हैं, जो डायरेक्टर हाउस है जस्ट उसके बाजू में। और ये छोटा सा प्यारा सा मंदिर है जो कि पथारुनी पिथा करके इनका माता रानी का नाम है, और यहाँ की लैंग्वेज में शायद इनका नाम रखा गया है। और ये बहुत ही प्यारी सी हैं, आप देख सकते हो नाम, जो लोग क्लियर पढ़ पा रहे हों आप उनको बताइएगा, मुझे जो समझ में आया मैंने बताया। यहाँ पे तुलसी जी का पौधा भी बाजू में रखा था, तो मैं आई और इस मंदिर को मैंने ओपन किया, और मैं माता रानी को दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी सी मूर्ति है उनकी, पूरी एकदम रोरी से सजी हुई। फिर भाभी और रंजना ने पूजा किया पहले, और उसके बाद फिर मैंने भी पूजा की, और भाभी और रंजना पूजा कर रही थी। हम लोगों ने धूप बत्ती जस्ट जलाई, क्योंकि पूजा ऑलरेडी सुबह सुबह ही हो गई थी, तो हमने धूप बत्ती जलाई, दर्शन किए। और इसके आजू बाजू का जो एरिया है ना, इतना प्यारा लगता है, इतनी अभी नई नई गार्डनिंग हुई है, और यहाँ पर वेजिटेबल्स के पेड़ भी लगे हुए थे, तो वो सब देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने भी पूजा की, मैंने भी धूप बत्ती जलाई और पूजा की यहाँ पे। और आश्विका थी, वो खेल रही थी, वो भी माता रानी के छोटे छोटे मूर्तियों को देख के बड़ी खुश हो रही थी, उसको भी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो हम लोगों ने दर्शन वगैरह अच्छे से कर लिया, और संक्रांति के दिन दान पुण्य भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था मन को। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि यहाँ पे ना कोई भी दान पात्र नहीं रखा गया था, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा था जिसको जो भी कुछ करना है वो माता रानी के लिए सामान ला के रख सकता है। और यहाँ पे ये है तुलसी माता का पेड़ है, यहाँ पे एक छोटा सा गमला रखा हुआ है, तो सब कुछ था, बहुत अच्छा था। और आप मेरे पैरों में कलर देख रहे होंगे, तो कलर इसलिए आप देख रहे होंगे जस्ट बिकॉज़ कि मैंने अपने पैर पे रंजना ने कलर लगाया था।
क्योंकि हमारी तरफ पूजा में लगाते हैं। फाइनली आ गए हम लोग दर्शन करके घर, और अभी मैं जा रही हूँ भाभी के यहाँ, मतलब अंकिता भाभी के यहाँ। उन्होंने मुझे दही चूड़ा के लिए इनवाइट किया है। हमारा मतलब कि बिहार में जो है ना, संक्रांति के दिन दही चूड़ा खाया जाता है। हमारे यूपी में तो नहीं होता ऐसा, लेकिन यहाँ पे होता है। तो भाभी ने बोला है कि मैं और तुम साथ में मिलके खाएंगे, क्योंकि उनकी भी फैमिली नहीं, मेरी भी फैमिली, तो हम सारे फैमिली हुए, तो हम साथ एक साथ बैठ के खाएंगे। तो अभी मैं चलती हूँ कमरे में, दूध आ गया था तो मैंने सोचा तब तक मैं इसको बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, धीरे धीरे बॉयल भी होता रहेगा। मैं दही चूड़ा भी कंप्लीट करूँ, तो उसके बाद बनानी है खिचड़ी, क्योंकि जो कि हमारे लंच में बनेगी, जो कि बनती है। सुबह प्रोफेसर ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, तो खिचड़ी अभी मैं बनाऊंगी दोपहर के खाने में, दिन शाम को देखती हूँ। वो डाइट पे हैं तो बहुत ज़्यादा पूरी अच्छा, यूपी में क्या होता है ना कि अच्छा पी लो, शाम को पूरी कचौड़ी बनती है, बट हमारे इधर शाम को, यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बनाऊँगी, वैसे तो बनाती, बट वो ही नहीं खाएंगे तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं। लेकिन हमने सोचा है कि मैं आलू का पराठा वगैरह कुछ बनाऊँगी, और अंकिता भाभी बोली हैं मटर की कचौड़ी बनाने के लिए, तो वो मटर की कचौड़ी बनाएंगे। सो पानी पीती हूँ, पहले प्यास लग गई है। लो पियो ग्लास में, ग्लास में पीना है। सो गाइस, मैं यहाँ पर बना रही हूँ खिचड़ी। मैंने इसमें डाला है लहसुन और मिर्ची और प्याज, और साथ में फूल गोभी होती है ना अपने यहाँ, वो फूल गोभी कट करके डाला है, और साथ में मैंने यहाँ पर पालक रखा है, इस पालक को भी धुल के डालूँगी। ये हरी मटर जो है इसको भी दरदरी करके डालूँगी, देन थोड़ा सा चावल, और हमारी खिचड़ी रेडी हो जाएगी। और मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट। सो गाइस, ये है आज की हमारी खिचड़ी, जो कि ये वाली पालक वाली जो खिचड़ी है ये मैंने बनाई है, ये वाली भाभी बनाई है अंकिता भाभी ने, उनका पापड़ और भरता उन्होंने बनाया है, मैंने सलाद, खिचड़ी और पापड़। तो आज हम यही खाने वाले। प्रोफेसर कैसा है? बहुत बढ़िया। किसकी खिचड़ी पे कमेंट कर रहे हो, भाभी की कि मेरी? दोनों अच्छी हैं। और आशिका का किचन सेट यहाँ फैला हुआ है, ये अपना खिचड़ी बना रही है आशिका। नहीं, मैं चॉकलेट, ये पापड़ से चॉकलेट में चॉकलेट शेक बनाई। पापड़ से आजकल कोई शेक खाता है, बनाता है, लेकिन मेरी बेटू बनाती है। दूर से बोलो, क्या बोल रही हो? हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? देखो मैं बनाई हूं आप भी पी के बताना कैसा है। सो गाइज, आशिका की तो ऐसे ही बातें चलती रहेंगी, उनको बातों को छोड़िए और वो खेल रही है। आप लोग बताइएगा कि आपकी संक्रांति कैसी रही, मेरी तो कुछ इसी तरीके से रही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली व्लॉग डालूँ, और जो कि डाल भी रही हूँ डेली का डेली, मैं वीडियो डेली शेयर करती हूँ मैं अपना रूटीन। तो आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक का आइकन जस्ट नीचे आता है वीडियो के, और ढेर सारा वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने खिचड़ी के दिन क्या क्या किया, क्या क्या पतंगबाजी की कि नहीं की। हमने तो नहीं की, यहाँ पर मिल भी नहीं रही है कहीं पर काइट, कहीं भी काइट नहीं दिखी किसी भी शॉप में। तो चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय। फिर से बोलो। आशिका रिव्यू तेरी मस्त है सिख, क्या अच्छा है। देखो अभी मम्मी कट मत करना, जो मैं खत्म कर लूं की तो अच्छा वीडियो कट ना करे। अच्छा Thank you.